अच्छी चल रही है, मैं आगे आगे को खिसक रही हूँ, मैं गाड़ी में जा रही हूँ, मैं उड़ जाऊंगी इस हवा में। आगे आगे को जोर जा रहा है मेरा। गाइज गुड आफ्टरनून आप सभी को, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते और पलक और मेरे से सारे छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद और उससे भी ज़्यादा प्यार। तो आप देख सकते हो बाहर गुड आफ्टरनून ही हो रखी है, तो मैंने गुड आफ्टरनून में वीडियो शूट कर रखी है। तो आज हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। जैसे दिल्ली की जान सरोजनी नगर है, वैसे कैनेडा की जान बोलो इसको, क्योंकि मैं एक मिनट इनसे नाम पूछ के बताती हूँ। वैसे इधर ये बोल रहे हैं कि इधर मतलब कुछ भी शॉपिंग कर लो तुम $4 में मिलेगा, है ना? तो शॉप का नाम मतलब उसको बोलते क्या है? अभी नहीं बताऊँगा बोले अभी नहीं बताऊँगा, अभी बता ही नहीं रहा मैं क्या कर सकती हूँ। मतलब जो भी तुम शॉपिंग करो उधर सिर्फ $4 की मिलेगी। तो सरोजनी नगर का जैसा ही हुआ ना, तो मैं जब इन्हें बताया मैंने मुझे जाना है, तो आज वीकेंड चल रहा है तो हम दोनों चलते हैं, तो हम दोनों जा रहे हैं उधर। तो लेट्स सी अगर कुछ पसंद आता, अगर क्वालिटी के ऊपर भी, अगर कैसी क्वालिटी है अच्छी लगी तो फिर लेना है, मगर बाहर ठंडी के हिसाब से देखते हुए। तो हम लोग ये तो पहन के जा ही रहे हैं, लॉन्ग मतलब कोट और ये अपनी जैकेट भी ले जा रहे हैं, तो हम दोनों वो लेकर जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं बाटा लगते हैं अपन स्वामी नगर। तो फटाफट चलते हैं, और बाहर ऐसा ठंडा हो रखा ना, एकदम मस्त मस्त मौसम हो रखा है। मैं दिखाती हूँ, देखो कैसी हवा चल रही है। ये तो कुछ ऐसी है, ये बादल साफ हो रखे हैं और हवा कैसी चल रही है देखो। आप कैसे टुकड़ टुकड़ देख रहे हो पीछे से। तो ये भी अब गैराज से गाड़ी निकालने चले गए हैं, तो ये गैराज से गाड़ी निकालते हैं, उसके बाद गाड़ी में बैठती हूँ। मेरे मुंह में बाल चले गया है, तो चलिए मिलती हूँ। गाइस हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं पेट्रोल पंप में। इंडिया में पेट्रोल पंप में वो लोग तेल डलवाते हैं ना, जो पेट्रोल पंप वाले होते हैं, मगर इधर क्या होता है ये बोलना, हमें खुद से अपनी गाड़ी में तेल भरवाना पड़ता है। आई थिंक क्रेडिट कार्ड का होगा ना कुछ, कैश वहाँ से क्रेडिट कार्ड से कट करो और बस खुद ही भरो, आ जाएगा वो जितनी तुमने पेमेंट करी है उस हिसाब से ना। तो सर जी उतरने लग गए हैं और आ जाओ देखना है तो तुम्हें भी दिखा देते हैं। हम यहीं से देख लेंगे आ जाओ मैं यहीं से देखूंगी, आप भरो फिर, है ना। ये चले गए हैं उधर, तो गाइस देखिए खुद ही भरना पड़ रहा है। अंदर से क्या करवा के आया आप? अच्छा ओके, अंदर से बिलिंग करवा के अभी यहाँ पे ओके। तो देखो एक पोज इधर को, हवा कैसी चल रही है, मैं आगे आगे को खिसक रही हूँ, मैं गाड़ी में जा रही हूँ, मैं उड़ जाऊंगी इस हवा में। आगे आगे को जोर जा रहा है मेरा। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, तो मैं दिखाती हूँ, ये है डॉलर मा सारी चीजें तो मैं आगे आ रही है गाड़ी, साइड में हो जाओ और अंदर जाओ सीधे ओके। गाइस देखिए ये सारी चीज़ें मतलब किचन से रिलेटेड डेकोरेशन की सारी चीज़ें आप लोग को अंडर $4 की मिल जाएंगी। मेकअप वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, उस साइड बर्तन भी थे ये, तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वॉलपेपर आई डोंट नो कितनी सारी चीज़ें तो मुझे पता भी नहीं है, ये सोपीस वाले जस्ट लुक एट दिस। ये अच्छे लग रहे हैं ना, नीचे साइड में भी हैं बहुत सारे। देखिए मेकअप से रिलेटेड चीज़ें भी हैं सारी, गर्ल्स की हैं, लेगी सॉक्स वगैरह ये
रबड़ हो गए, हेयर बैंड, क्लिप्स, कॉम, ड्रेसेस भी हैं इधर, टी शर्ट्स। हाँ, अब वही रेट के हिसाब से ही रखेंगे, मगर वैसे घर से रिलेटेड चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, है ना? ये मैं थोड़े वहाँ अपने काम की चीज़ें देखती हूँ, जैसे कि नेल पेंट्स वगैरह वगैरह वगैरह, वो चीज़ें मैं देखती हूँ। यहाँ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको पेडिक्योर करना है, है ना? पेडिक्योर के लिए भी है। तो गाइस यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, ये देखिए क्रिसमस से रिलेटेड चीज़ें भी आई हैं, ये सुंदर सुंदर से। ये देखो फिर बैटमैन, ये ले जाना था चुप रहा हूँ। अच्छा ये है अच्छी चीज, ये भी है देखो फिर। हाँ अभी क्या है, ये क्यों रखे हैं ये हम बताएंगे, अभी आप लोग क्रिसमस से रिलेटेड चीज़ें देख लीजिए। और ये चीज़ें क्यों हैं ये अभी बताऊंगी मैं, मतलब मैंने ये बताएंगे ये सारी चीज़ें। गाइस घूम घूम के हम एक और प्यारी सी क्यूट सी जगह में आ गए, ये देखिए। तो यहाँ बेबीज से रिलेटेड ना खिलौने वाली चीज भी है, तो बेबीज की है। व्हाट इज दिस, डॉल की ड्रेस वाला है क्या ये? ये बॉयज का भी है, ये पूरा ये लाइन बेबीज से, बेबीज के टॉयज से भरा हुआ है। तो गाइस हम लोग वहाँ पे से आ गए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को भी वो देखने में मज़ा आया होगा। मुझे तो अच्छा लगा था, घर से रिलेटेड अच्छी अच्छी चीज़ें थी, बच्चों की खिलौने से लेके बुक्स से रिलेटेड, कुछ क्राफ्ट हैं तुम्हारे उससे रिलेटेड, मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। और अब थोड़ी लग गई है पेट में भूख, तो हम लोग सोच रहे हैं कि कहाँ जाएं। देखो ऑप्शन ही ऑप्शन है ये तो, ये सारे ऑप्शन ही ऑप्शन है। अब ये मेरे को दो ऑप्शन दे रहे हैं, एक वो सामने भी है, या तो पिज्जा या तो विंग्स खा लो, पिज्जा खा लो, या केएफसी का बस खाना है। मैं बोल रही हूँ कि विंग्स और पिज्जा में चलते हैं। मैं सोचा था वैसे सैलेड भी है क्या कहते हैं? मैं दोनों सोच रही हूँ, हेल्दी खाना कभी, जबकि मैं इनसे क्योंकि वीकेंड में कभी भी मैं बोलती, मतलब मंडे टू फ्राइडे ये बोलते हैं कि वीकेंड में मिलेगा, वीकेंड में। तो अब वीकेंड आ गया है, आज सैटरडे है और मुझे खाना है। हाँ तो मैं ही रहूंगी, इनको तो नींद भी आने लग गई है। पका दिया ना तुमने? पके तो नहीं, कहाँ पके हो? तो चलो जल्दी थोड़ी हो जाए हमारी पेट पूजा, उसके बाद फिर ग्रोसरी भी करने जाना हमें, क्योंकि कल को फिर से हमें बाहर जाना है। और क्या करना है वो मैं कल ही बताऊंगी आप लोगों को, कल तो हमें दो तीन जगह कवर करना है, तो मैं वो आप लोग को कल ही बताऊंगी। पहले अभी पेट पूजा, उसके बाद ग्रोसरी, उसके बाद देखो थोड़ा टाइम मिलता है तो अगर सामान वामान मुझे लेना है अपना वो देखते हैं, क्योंकि दिवाली भी आ रही है इसीलिए। तो चलिए चलते हैं पहले खाने। गाइज फाइनली हम दोनों ने बातचीत करी और हम इस निष्कर्ष में पहुंचे। बातचीत तो तुमने ऐसे करी जैसे दो देशों के बीच है, बहुत इम्पोर्टेंट बात हो रहा हो। तो ये निष्कर्ष में हम लोग पहुंचे, पहले हम लोग पिज्जा में जाएंगे, पिज्जा नोवा में, वहाँ हम लोग दे देंगे पिज्जा का ऑर्डर, जब तक पिज्जा बन रहा है उसके बाद तब तक हम केएफसी में चले जाएंगे, क्योंकि केएफसी में इतना टाइम नहीं लगता है, केएफसी में चिपका के उसके बाद फिर पिज्जा छोड़ेंगे हम दोनों मिलकर, क्योंकि पिज्जा भी तब तक हमारा रेडी हो जाएगा और हमें ज्यादा मैं खाती हूँ। ये छोड़ते हैं, ये है छोड़वा राम छोड़वा ये है। तो चलिए हम लोग पहले चलते हैं पिज्जा नोवा की तरफ, चले चलिए। तो गाइस यहाँ पे हमारा थोड़ा प्लान चेंज हो गया, पहले हम खा रहे हैं पिज्जा, उसके बाद फिर केएफसी में जाएंगे। तो पिज्जा ऑलमोस्ट बन गया, हमने डायरेक्ट स्लाइस लिया, तो उतना बड़ा तो मैं खा नहीं पाती इसलिए स्लाइस ले रखी है, टू स्लाइस। तो वो खाएंगे, उसके बाद केएफसी में जाके, वहीं केएफसी में फिर कोक वोक बन लेंगे, तो
पास पिज्जा आ ही रहा है, हमारा पास थोड़ा वेट करना है। गाइस हमारा पिज्जा आ गया, तो दो अलग अलग उसमें ले रखे हैं है ना, तो अब हम जल्दी से नम 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 करते हैं है ना। तो चलिए गाइस पिज्जा तो खा के आ गए हैं, तो मेरा आधे से ऊपर तो पेट फुल हो गया है, आप क्या कह रहे हो? कितना पिज्जा खाया? मैंने अपने हिसाब से तो खा ही दिया। तो अब थोड़ी सी स्पेस बची है चिकन के लिए, तो वो अब खाने चलेंगे। कहाँ है, कहाँ जा रहे हो? ड्राइव थ्रू से चलेंगे ना। कहाँ से? ड्राइव थ्रू से। तो चलिए चलते हैं, चलो चलो चलो, पिज्जा से तो पेट वो हो गया। हाँ थोड़ा चल के डाइजेस्ट हो जाएगा ये। चल फिर घर तक ऐसे नहीं, इतना भी नहीं खाया है, घर तक चलने जितना। तो सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं KFC में, जहाँ से उस दिन खाए थे, मैं वहाँ की रेटिंग इतनी अच्छी नहीं आई थी, तभी हम लोग यहीं आ गए। सो गाइस हम लोग खा के आ गए, पेट हो गया एकदम फुल वाला, फुल हो चुका है। दी उम्मीदी ऐसी की ऐसी है, ये ऐसी रखी हुई है मैंने। तो पेट एकदम फुल हो चुका है, 6:30 हो चुका है। अब हमें सीधे जाना है ग्रॉसरी करने, ग्रॉसरी में, क्योंकि हमें कम से कम 1 घंटा लग ही जाएगा, फिर सीधे जाएंगे घर। तो हम मिलेंगे आपसे घर में, पकड़ो एक बार। बाहर ऐसा ठंडा हो रहा है ना। तो चलिए अब चलते हैं ग्रॉसरी करने, ग्रॉसरी सेंटर। गाइस पहुंच गए हम लोग ग्रॉसरी सेंटर, नो फ्रिल्स में। यहाँ हम लेंगे ग्रॉसरी का सामान। अब एक इनको कौन सी ठंड लगी होगी, कैप के बाहर से हुडी का नहीं पता, हुडी का ऐसे हुड डालने से कानों में हवा लगती है। ये वाली हुडी है जब शादी से पहले मुझे देखने आए थे ना, और हम लोग बूम घूमने गए थे फैमिली के साथ गए थे, ये वाली थी हाँ शायद। देखा इनको कहाँ याद रहता, मुझे याद है, मुझे तो ये भी याद है जब ये पहली बार मुझे देखने आए थे तो ब्लैक कलर की उस स्वेटर पहन के आए थे, याद है, ब्लू कलर की जीन्स, चैंपियन वाले शूज पहन के आए थे है ना। अब यहाँ पे डालेंगे $1, डाल लो $1 और निकाल ली। अब हम चलते हैं गाइस, यहाँ पे हम लोग आ गए हैं ग्रॉसरी करके। जैसे कि मैंने बोला था एक घंटा तो पूरा लगा होगा ना, लग जाता है हाँ आराम से, क्योंकि स्टोरी इतना बड़ा है कि हर जगह एक चीज लेने के लिए तो मैं एक उसमें जाना है, फिर दूसरे में घूम के वहाँ जाना पड़ेगा। तो अंधेरा भी हो चुका है इनफ, बहुत अंधेरा हो चुका है ये बाहर पूरी है। तो अब हमें कहीं और नहीं, सीधे जाना है घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, अंधेरा हो गया है, 7 बज चुका है, अंधेरा हो गया है। तो टाइम से घर जाते हैं, टाइम से डिनर ना करके फिर टाइम से सोएंगे, सुबह टाइम से उठेंगे, तभी तो फिर अगले दिन घूमने के लिए नहीं होगी। वीडियो भी एडिट अच्छा, करनी है। मुद्दा ये है कि मतलब अगले दिन घूमने जाना है इसलिए नहीं, मेन है मेरा वीडियो एडिट करके टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड हो जाए, ताकि टाइम टू टाइम आप लोगों के पास पहुंच जाए, डिले ना करूं मैं अपनी वीडियो। तो गाइस चलिए हम लोग आ गए हैं रूम में, तो ग्रॉसरी का सामान सब सेटअप कर दिया है, तो रूम में आ गए हैं, अब कपड़े चेंज करते हैं हम लोग, उसके बाद डिनर की तैयारी भी करनी है, वीडियो एडिट भी करनी है, और अभी अभी मैं सोने से पहले हमें वीडियो अपलोड भी करनी है। तो अब हो गया है टाइम बाय बाय बोलने का, तो मिलूंगी आपको फिर नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले कर दो लाइक कमेंट शेयर, चैनल में नए हो गाइस तो सब्सक्राइब करके जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाओ, अपने दोस्तों को मेरी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इफ़ यू लव माय वीडियोस, बस तभी। तो बस सब्सक्राइब अगर कर दिया है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी ज़रूर दबाना, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो मिलते रहूँगी नई नई वीडियोज़ के साथ, मेरी वीडियोज़ का बेसब्री से वेट करना। बाय बाय, गुड नाइट, तब तक के लिए।